हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। एक्चुअली मैंने लास्ट वीडियो एसएससी के रिगार्डिंग अपलोड किया था एंड मुझे कमेंट रिसीव हुआ था उस वीडियो पे। तो कमेंट मुझे काफी अच्छा लगा कि मैंने ऑलरेडी अपना स्टैंडर्ड बहुत हाई कर रखा है एंड जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें जस्ट मैंने एसएससी के पोर्टल पे जाके एक्चुअल में सारे एग्जामिनेशन आपको दिखाया और फीस दिखाया। सो आज मैं इस वीडियो में आपको फीस को कैसे कम करनी है मैं वो आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से, अगर आप मेरे डायरेक्शन को अगर आप फॉलो करते हो तो वहां से आपकी कॉस्ट एटलीस्ट 1 लाख के अप्रोक्स आपकी कॉस्ट सेव हो सकती है, मैक्सिमम 1 लाख के अप्रोक्स। ठीक है, सो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एसी से अगर आप करना चाहते हो आफ्टर क्वालिफाइड सीएमए एंड आप चाहते हो कि आप कम कॉस्ट पे बाई सेल्फ स्टडी आप एसीसी को क्वालिफाई कर लो। सो आज मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा कि आप कम कॉस्ट पे कैसे कर सकते हो और यहाँ पे जो आपकी मैक्सिमम कॉस्ट आएगी वो 1 लाख रुपीज से ज्यादा की नहीं आएगी। एंड 1 लाख रुपीज भी जो कॉस्ट आएगी वो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में आपके एक्सपेंसेस लगेंगे। सो वन बाय वन मैं आपके साथ चीजें डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड जो इंस्टीट्यूट का पोर्टल है सो आप ये पोर्टल देख सकते हो एसीसी इंस्टीट्यूट का, जहाँ पे मैंने आपको इनिशियल कॉस्ट दिखाया था लास्ट वीडियो में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इनिशियल रजिस्ट्रेशन की चार्ज £30 है, ओके। एंड यहाँ पे एग्जामिनेशन चार्ज £84 है फॉर अप्लाइड नॉलेज एग्जाम्स एंड अप्लाइड स्किल एग्जाम्स। एंड यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज जो है £112 है। सो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ जहाँ से आप अपनी फीस को कम कर सकते हो। एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज आपका फर्स्ट ईयर का 50% रिड्यूस हो सकता है, यानी £112 का अगर 50% कर दो तो £56 के अप्रोक्स आते हैं, यानी 5600 यहाँ पे मैं आप सेव करवा सकता हूँ। सेकेंड थिंग यहाँ पे आप देख सकते हो ना एग्जेम्पशन फीस है वो £111 है, इसको अगर मैं हटा दूँ तो आप यहाँ पे £10 पर पेपर के हिसाब से आपको 6 पेपर जो आपके एग्जेम्पशन होंगे, 7 पेपर सॉरी, 7 पेपर का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा और आपको 6 पेपर्स देने होंगे। तो 7 पेपर इंटू £10 इज इक्वल टू 7000 में आपका एग्जेम्पशन कंप्लीट हो जाएगा है। मैं इतना ज्यादा आपकी कॉस्ट सेविंग बता रहा हूँ, 7000 एग्जेम्पशन का फीस लगेगा आपकी इनिशियल कॉस्ट एंड 5600 रुपीज आप एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज मांग चलो एंड £30 आई आपकी इनिशियल रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है। इसके अलावा जिस इंस्टीट्यूट का मैं आपको नाम बताने जा रहा हूँ वहाँ पे क्या है वो 10,000 एक्स्ट्रा आपसे चार्ज करेंगे बिकॉज वो अपना कोड यूज करेंगे, वो एसएससी इंस्टीट्यूट के प्लेटिनम मेंबर है तो वो अपने कोड की चार्ज 10,000 उन्होंने मुझे बताया। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि देखो उन्होंने क्या कुछ स्टूडेंट्स को वो 10,000 की कॉस्ट नहीं बताते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को 10,000 की कॉस्ट बताते हैं, तो मुझे उन्होंने बताया था जबकि मेरे एक फ्रेंड है उसको उन्होंने नहीं बताया। सो ये आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है आपको कॉस्ट आप में इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं, डिपेंड करता है। अगर आप वहाँ से अगर आप क्लासेज भी साथ में लेते हो तो शायद वो आपको कॉस्ट में इंक्लूड ना करें, लेकिन अगर आप क्लासेज नहीं लेते हो तो फिर वो अपने कॉस्ट में आपको इंक्लूड कर सकते हैं। क्लासेज की फीस मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ वो सारी चीजें बता रहा हूँ जिससे आप एक इनिशियल स्टार्टिंग कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग अगर आप बाय सेल्फ करते हो तो आपकी सारी कॉस्ट यहाँ पे सेव होगी, यही कॉस्ट है जो आप सेव कर सकते हो। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन फीस की कॉस्ट है वो हमेशा सेम रहेगी, उसमें कभी भी चेंज नहीं हो सकती। सो इंस्टीट्यूट का नाम है फिनाको प्रो, ये इंस्टीट्यूट दिल्ली में एंड आप यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन अपने ले सकते हो एसीसीए में। यहाँ की सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको दी हुई है, आप गूगल पे भी जाके आप फिनाको प्रो आप सर्च कर सकते हो। सो यहाँ से अगर आप अपनी एडमिशन लेते हो तो आपकी इनिशियल कॉस्ट जो आएगी वो 3000 रजिस्ट्रेशन की, 5600 रुपीज आपके फर्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन की, सेकेंड ईयर से फिर से आपको पूरा सब्सक्रिप्शन लगेगा एंड £10 यानी 1000 पर पेपर के हिसाब से आप मान के चल सकते हो कि आपको 7000 एग्जेम्पशन क्लेम करने की लगेगी, ये आपकी इनिशियल कॉस्ट हो गई। इसके अलावा आपको जो फर्स्ट 2 पेपर से उसकी एग्जामिनेशन फीस में 12,000 है, सो जब भी आप एग्जाम दोगे उस अकॉर्डिंग आपको 12,000 फर्स्ट पेपर का, फिर सेकेंड पेपर फिर आप एग्जाम देने जाओगे तो उसको 12,000 आपको देना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को यही सजेशन करूंगा कि एक बार में आप सिंगल पेपर को ऑप्ट करो एंड जब आपको 1 पेपर क्लियर हो तो सेकंड पेपर के साथ जाओ, इस तरीके से करके आप अपने एसएससी को आप कंप्लीट कर सकते हो। 6 पेपर्स हैं सो ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखो तो 4 क्वार्टर इस साल में और 2 क्वार्टर मतलब 6 क्वार्टर में आप 6 पेपर्स को आप कंप्लीट कर सकते हो।
सो आप पर क्वार्टर एक पेपर दो, एंड फर्स्ट टू के लिए मैंने आपको बताया 12,000 आपको एग्जाम फीस लगेगा, नेक्स्ट टू के लिए आपको 14,000 लगेगा, और लास्ट टू के लिए ना उसमें एक के लिए 20,000 है और एक के लिए 18,000 है, ये आपकी एग्जाम फीस हो गई। इसके अलावा अगर आप स्टडी मटेरियल क्लासेस, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है आप किस तरीके से करते हो। मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये स्टडी मटेरियल के सोर्सेज भी बताए हैं, पेड स्टडी मटेरियल के सोर्सेज भी बताए हैं, वीडियोज भी बताइए, तो आप उस वीडियो के लिंक में आप इस वीडियो को देखना, एंड उस वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। सो होप सो कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।